नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर 13 अक्टूबर यानी गुरुवार को कैसा रहा खबरों का हाल। सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। डॉक्टर मुर्गे के निवास पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई, बड़े सुराख हाथ लगने का दावा। दो मोबाइल चोर धर दबोचे गए। मनपा कर्मचारियों के हड़ताल से मनपा पर भड़के भाजपाई, कहा मनपा का रवैया ठीक नहीं। और एसआरपीएफ क्रीड़ा स्पर्धा का औपचारिक उद्घाटन संपन्न। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जा। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है खेल कूद के क्षेत्र में महिलाएं भी कुछ कम नहीं। जिम्नास्टिक जैसे खेल में महिला वर्ग को भी विशेष रुचि है। महिलाओं की इस खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला जिम्नास्टिक स्पर्धा का आयोजन किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अमरावती, अमरावती जिला हौशी जिम्नास्टिक संगठन तथा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के जिम्नास्टिक खेल प्रति बढ़ती रुचि को देखकर 2 दिवसीय भव्य राज्य स्तरीय महिला जिम्नास्टिक स्पर्धा का आयोजन किया गया है। स्थानीय एचयूपीएम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित इस स्पर्धा का बुधवार को डॉक्टर मोहन खेड़कर ने उद्घाटन किया। इस स्पर्धा में स्कूली छात्रा, महाविद्यालयों की महिलाएं छात्रा तथा हौसी महिला स्पर्धकों ने भी जमकर हिस्सा लिया। इस जिम्नास्टिक स्पर्धा के उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्राध्यापक माधुरी चेनके, प्रतिभा देशमुख, डॉक्टर सुभाष शर्मा आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस राज्य स्तरीय महिला जिम्नास्टिक स्पर्धा को सफल बनाने में आयोजक जिला क्रीड़ा अधिकारी विजय संतान, जिला हौशी जिम्नास्टिक संगठन के डॉक्टर चंद्रशेखर कुलकर्णी, प्राध्यापक हिरोड़े आदि प्रयासरत है। इस अवसर पर शहर के जिम्नास्टिक स्पर्धकों सहित प्रशिक्षक तथा खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
सिटी चैनल प्रतिदिन अखबार और दैनिक वृत्त केसरी के संयुक्त तत्वदान में दीपावली की खुशियां दुगनी करने भव्य रंगोली सजावट स्पर्धा 2011 का आयोजन किया गया है। इस रंगोली सजावट स्पर्धा 2011 के फॉर्म दैनिक प्रतिदिन अखबार और दैनिक वृत्त केसरी में प्रकाशित होंगे और सिटी न्यूज चैनल तमाम स्पर्धकों को घर में निकाले गए आकर्षक रंगोली का वीडियो चित्रीकरण कर उसे सिटी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेगा। दीपावली के उपलक्ष्य में दिनांक 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को सुबह और शाम के नियोजित समयों पर और दिनांक 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की सुबह इन समय में सिटी चैनल के संवाददाता तमाम स्पर्धकों के घर में निकाले गए रंगोली का चित्रीकरण करेंगे। साथ ही दैनिक वृत्त केसरी और दैनिक प्रतिदिन अखबार में भी स्पर्धकों के घरों की रंगोली के छायाचित्र प्रकाशित होंगे। रंगोली सजावट स्पर्धा 2011 के विजयी स्पर्धकों को प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए के साथ कई प्रोत्साहन पर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। स्पर्धा के फॉर्म दैनिक वृत्त केसरी, दैनिक प्रतिदिन इन अखबारों में प्रकाशित होंगे। उन्हीं फॉर्म को भरकर आप तुरंत अपना नाम दर्ज कराना आपको जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए सिटी चैनल कार्यालय, दैनिक प्रतिदिन अखबार कार्यालय और दैनिक वृत्त केसरी कार्यालय पर आप संपर्क कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद आने वाले स्पर्धकों को इस स्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगली खबर है मोबाइल और मोबाइल की चोरी से जुड़ी हुई। अमरावती शहर में मोबाइल चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि चोरी के मोबाइलों की बिक्री भी जोरों से चल रही है। ऐसे ही दो मोबाइल चोरों को खोलापुरी गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई चोरी के मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के मॉडल बरामद किए गए। अमरावती शहर में कई मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर मोबाइल चोरों को कोल्हापुरी गेट पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गजानन गणपत चपारिया और मुरलीधर ठाकुर नामक ये चोर मोबाइल चुराकर बेचने के कामों में कई दिनों से सक्रिय हैं। गुरुवार को कोल्हापुरी गेट पुलिस द्वारा इन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास कई चोरी के अलग अलग कंपनी के मोबाइल बरामद हुए। इन मोबाइल चोरी की कड़ी पूछताछ करके अन्य मोबाइल चोरी की घटनाएं उजागर होने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर है सुतार समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में लेते हुए आगामी 16 अक्टूबर को सुतार समाज विकास संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया है। इन विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए संस्था द्वारा एक पत्रकार परिषद हाल ही में संपन्न हुई। सुतार समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आगामी 16 अक्टूबर से सुतार समाज विकास संस्था द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम में सुतार समाज के विकास को अहम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी तथा रक्तदान शिविर, गुणवंत छात्रों का सम्मान, आम सभा, गायन स्पर्धा, महिलाओं के विशेष कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस आशय की जानकारी हाल ही में सम्पन्न हुए एक पत्रकार परिषद में दी गई। सुतार समाज विकास संस्था द्वारा आयोजित इस सुतार समाज मेलावे में महाराष्ट्र राज्य से सुतार समाज के कई मान्यवर, गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी, नेतागण, कर्मचारी तथा सभी समाज बांधव बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी भी पत्र वार्ता में दी गई। मंत्रापर्यंत पोहोचण्याची कार्यक्षमता ठेवतो, त्यानंतर आम्ही इतर मंडळाचा अमरावती शहरातून सहभाग घेतला जातो। सर्वांच्या मतानुसार आम्ही मंत्रापर्यंत त्यांचे निवेदन पोहोचण्याची कार्य करतो। अगली खबर बडनेरा रोड की, जहां पर काफी खलबली मच गई थी। स्थानीय बडनेरा रोड पर गोपाल नगर के नाले पर बने पुलिया के नीचे लकड़बग्घे का खाल उतारा शव पाए जाने से खासी खलबली मच गई थी। कई लोग इस शव को देखने के लिए इकट्ठा होने से यहां अच्छी खासी भीड़ जम गई थी। ये शव वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। स्थानीय गोपाल नगर के नाले पर बने पुलिया के नीचे एक खाल उतरा शव पाया गया। ये शव शेर का या चीते का होने की आशंका जताए जाने से पूरे परिसर में अच्छी खासी खलबली मचकर यहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिससे यातायात भी ठप हो चुकी थी। तत्काल मिले सूचना पर घटनास्थल पर दमके पुलिस विभाग सहित वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने ये खाल उतरा शव बरामद कर ये जानकारी दी कि ये खाल उतरा शव शेर या चीते का नहीं है पर लकड़बग्घे का जरूर हो सकता है। इथे 2-3 दिवसापासून
नाल्यातून ते टाकलेलं होतं, पण त्याच्या पायावरून खात्री करतो आणि त्याच्या केसावरून वाईल्ड लाईफ पॅन्थर किंवा टायगर हे नाही जे 100% मी सांगू शकतो. दुसरं राहिलं आयना, आयनाचे सेंटेस पण कमी दिसून राहिलेत मला. त्याच्यात तो डॉग येतो, आसुरी डॉग येतो, त्याच्यातलं ते दिसून राहिले. पण आता पोस्टमॉर्टम म्हणून मला मी खात्री करून. पर पोस्टमार्टम अहवाल के उपरांत ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हो सकती है, ऐसी जानकारी भी वन विभाग के आरएफओ सोनव ने दी. इस खाल उतरे शव ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं, जिसके जवाब ढूंढना जारी है. अगली खबर, महानगर पालिका के कर्मचारियों की प्रलंबित वेतन की मांग के लिए भीख मांगो आंदोलन करने से मनपा ने 3 मनपा कर्मचारियों को निलंबित कर डाला, जिससे कर्मचारियों का गुस्सा और भड़क गया. कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से मनपा का काम पूरी तरह से ठप हो गया है. मनपा के इस रवैये का बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है. अमरावती मनपा की स्थिति पिछले 50 वर्षों में भी इतनी बदहाल कभी नहीं हुई थी, पर अब भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा बन चुके मनपा की हाल के स्थिति को बयां भी नहीं कर सकते. आई जेऊ घाली ना आणि बाप भीक मागू देईना, ऐसी स्थिति मनपा और तमाम मनपा कर्मियों की हो चुकी है, ये कहना है शहर भाजपा का. पगार झाले नाही म्हणून आंदोलन झालं. आता आंदोलन करण्याचे वेगवेगळे प्रकार असतात. एक अत्यंत चांगला मार्ग सदनशील मार्ग आणि एक अत्यंत लोकशाहीचा मार्ग तुम्ही निवडला. किंवा तुम्ही पैसे देत नाही तर निदान भीक तरी मागू द्या. परिस्थिती अशी झाली की आई जेवायला देत नाही, बाप भीक मागू देत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये या अमरावती शहराच्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती झाली आहे. मनपाच्या प्रलंबित वेतन की मांग के लिए भीक मांगो आंदोलन करने से बोखलाए मनपा प्रशासन ने 3 मनपा कर्मियों को निलंबित कर कईयों को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं. इस पर गुस्साए तमाम कर्मियों ने काम बंद कर आंदोलन और तीव्र कर दिया है. इसी कर्मियों को सांत्वना देने और उनका पक्ष मजबूती से रखने के कथित उद्देश्य से भाजपाई मनपा पर धमक गए थे. इन कामगारों के वेतन अदाई के लिए मनपा महापौर उपमहापौर सहित स्थायी समिति सभापति से पैसे उधार ले और निलंबित कर्मियों का निलंबन रद्द करे, ऐसी मांग भी भाजपाइयों के शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की है. वाहन धारक व्यक्ति तथा छात्रों द्वारा यातायात के नियमों का पालन होने के तथा वाहन चलाने का परवाना मिलने के उद्देश्य से लखमई लेडीज हेल्थ क्लब द्वारा भव्य लर्निंग लाइसेंस कैंप हाल ही में संपन्न हुआ, जहां 200 से अधिक छात्रों ने इसका फायदा उठाया. महाविद्यालयीन छात्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में लेते हुए तथा उनसे यातायात के नियमों का उल्लंघन न होने इस उद्देश्य से लखमई लेडीज हेल्थ क्लब राहटगांव द्वारा भव्य लर्निंग लाइसेंस शिविर गुरुवार को संपन्न हुआ. इस शिविर के दौरान 200 से अधिक वाहन धारक छात्रों ने इस शिविर का लाभ लिया. इस अवसर पर आरटीओ के उप वाहतुक निरीक्षक वैभव गुला ने तथा लखमई लेडीज हेल्थ क्लब की अध्यक्षा पूजा गिरी ने छात्रों को यातायात नियमों संबंधी जानकारी दी. इस लर्निंग लाइसेंस शिविर के अवसर पर चारू माहुलकर, मुक्ता पटोड़े, आरती गिरी, अलका लोखंडे, पूजा समेकर, सरोज लोखंडे, स्वाति गिरी तथा महाविद्यालयीन छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. जे शहरात जाऊन आरटीओ मध्ये जाऊन धकाधकीच्या ह्याच्यात सगळ्यांना लायसन्स काढावं लागतं, त्यापेक्षा थोड्या सवडीने सगळ्यांना लायसन कमी पैशात अवगत व्हावे म्हणून हा मी कॅम्प घेतलेला होता. सगळ्या महिलांनी मला सहकार्य केलं चांगलं आणि 200 जास्त फॉर्म इथून गेलेले आहेत. अमरावती महानगरपालिका के आमची पना की सेवा न मिलने से नव विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को आवागमन में काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है. मनपा प्रशासन को बार बार निवेदन देकर भी तथा मनपा के हर रोज चक्कर काटने पर भी ये छात्र सिटी बस की सुविधाओं से और उसकी फायदा लेने से सर्विस से फिलहाल वंचित है. अमरावती के मारड़ी रोड पर नव विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कई छात्र पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में वक्त पर पहुंचने के लिए कोई साधन न होने की वजह से छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
मनपा की नवसारी से विद्यापीठ जाने वाली सिटी बस कॉलेज तक नहीं जाती, जिसके चलते छात्रों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कॉलेज जाते समय तो ठीक है, लेकिन आते समय कभी बस नहीं मिलती तो कभी अंधेरा हो जाता है, जिससे युवतियों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इस समस्या को लेकर कॉलेज के छात्रों ने 29 सितंबर को मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा था तथा मनपा आयुक्त ने सिटी बस शुरू करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक छात्रों की मांग पूरी न हो सकी। बताया जाता है कि सिटी बस की सुविधा के लिए ये छात्र हर रोज मनपा के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार कोई नहीं सुनता। आयुक्त साहेबांना आम्ही 1 महिना झाला निवेदन दिलं होतं, त्याच्यावर आतापर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही। आम्ही काय रोजच महानगरपालिकेच्या चक्र मारत राहू, कारण की तिकडून गाडगेनगरवरून मुलं सायकलने पैदल येतात, सायकलवरून येतात, आणि तिकडून येताना तिकडचे रोड ते इतके बेकार आहे का ऑटोसुद्धा येत नाही। ऑटो आले तर 40 रुपये पर सीट घेतात, आणि तिकडून मुली पैदल येतात ते ह्या म्हणजे कॉलेजवाल्यांना तर समजतच नाही, पण जसं आता ऑटोवाल्यांना समजायला पाहिजे। सिटी बस तर फक्त युनिव्हर्सिटीपर्यंतच आहे, आमची फक्त मागणी एवढी आहे नवसारीपासून सकाळी 9:30 निघाली पाहिजे आणि कॉलेजपर्यंत आली पाहिजे, इतकीच आमची मागणी आहे। आणि सर्वात जास्त मुले आणि रूम करून राहिल्या तर त्यांना गाडीने कोणी सायकलने त्यांना पैदल चालत, त्यात म्हणजे ऑटो तिकडे ऑटो जातात 50 रुपये पर सीट घेतात 2 किलोमीटर फक्त, तर मुलांना कसं करणार 50 रुपये रोजचे। तर आमची एवढीच मागणी होती की आयुक्त साहेबांना की आम्हाला नवसारीपासून तर मांडी इंदिरा नाक्यापर्यंत सिटी बस चालू करण्यात यावी। कन्स्ट्रक्शन चालू आहे रोड का और पूरा चारों तरफ जंगली इलाका है, वहां से लड़कियां रोज पैदल आती, रोज मीन्स करीब 2-3 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं और बहुत ही खराब है। हमारी सिर्फ इतनी मांगनी है कि मीन्स की यूनिवर्सिटी तक जो बस आती वो 2 किलोमीटर और आगे जाए तो अच्छा हो। अगली खबर है, शहर के सुपरिचित डॉक्टर हेमंत मुर्गे के निवास पर आयकर विभाग की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। इस छापे से बड़ा खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। नागपुर से महानगर पहुंचे आयकर विभाग के 3 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 12 कर्मचारियों के एक विशेष दस्ते ने बुधवार को स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित डॉक्टर हेमंत मुर्गे के निवास स्थान और अस्पताल पर छापामार कार्रवाई की। डॉक्टर मुर्गे बंधुओं के तार कई बड़े महानगर से जुड़े रहने की और इस छापामार कार्रवाई से कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बंद कमरे में चले इस कार्रवाई से बड़ा खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो इस छापे से कई चर्चाओं के दौर शुरू हो चुके हैं। अगली खबर है, SRPF कैंप की SRP की 21वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा स्पर्धा का शुभारंभ बड़े रंगारंग तरीके से किया गया। लेजिम और कई खेलों का प्रदर्शन किया गया, तो खूबसूरत मार्च से इन जवानों ने मेहमान को सलामी दी। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। 13 अक्टूबर से शुरू हुए 21वें राज्य स्तरीय राखी पुलिस बल राज्य स्तरीय क्रीड़ा स्पर्धा 2011 का औपचारिक उद्घाटन बुधवार को अपर पुलिस महासंचालक श्रीमती श्रीदेवी गोयल के हाथों क्रीड़ा ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। क्रीड़ा ज्योत प्रज्वलन के बाद कई डेमो का सादरीकरण भी हुआ, जिसे खूब सराहा गया। ये स्पर्धा आगामी 16 अक्टूबर तक चलेगी और इस दौरान विभिन्न क्रीड़ा प्रकारों का प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। अभी तक आपने देखी कुछ खबरें, आइए डालते एक नजर और कुछ और अहम खबरों पर। अमरावती महानगर पालिका के बांधकाम विभाग कर्मचारी एवं कर्मचारी यूनियन के मुखिया प्रहलाद कोतवाल, बाजार परवाना के मंगेश वटाने, मान विजय सिंह दंदे, इन्हें 3 मनपा कर्मचारियों को मनपा आयुक्त नवीन सोना के आदेश पर निलंबित किया गया। इन 3 निलंबित कर्मचारियों पर मनपा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप रखा गया है, पर यह आंदोलन न्यायिक और पूर्व नियोजित था और जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गैर न्यायिक है, ऐसा कहते तमाम मनपा कर्मचारियों ने भड़क कर काम बंद आंदोलन या आंदोलन अधिक उग्र करने की चेतावनी दे रखी है। ये भी एक मांगो आंदोलन नियोजित था, इसलिए ये कार्रवाई को पीछे लो वरना पूरे मनपा का कामकाज ठप कराने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे मनपा के खेमे में भी खासी खलबली मची हुई है। अब देखना ये है कि आखिर होता क्या है। प्रशासनाप्रवृत्त केलेलं आहे आंदोलनाला, कारण का आम्ही त्यांना 1-1 10 पुन्हा 6
महानवला पत्र दिलं होतं त्यामुळे आम्ही आंदोलन असल्याच्या प्रकारचे आम्ही पूर्ण कोणतंही आंदोलन करताना आम्ही कोणतंही पत्र व्यवहार केल्याशिवाय आंदोलन करत नाही. ही शिस्त आमच्या कर्मचारी संघटनेची आहे आणि आम्ही त्या जे रितसर आहे संघटनात्मक भूमिकानुसार आम्ही ते कागदपत्र पुरेपूर पोचवलेले आहे. पण त्यानंतरही मनोहर प्रशासन जागी झाले उलट आमच्यावरच आरोप झालेला आहे की बाबा तुम्ही आमच्या भीमांगो आंदोलन जे केलेलं आहे त्याची प्रतिमा मंदिर आम्ही प्रशासनाने जागरूक बाबा जेव्हा की महानगरपालिकाच म्हणते की आमची आर्थिक बरोबर काही तिजोरी ठणाठण आहे तेव्हा मीडियामध्ये जेव्हा येते आंदोलन करण्यात मान्य प्रशासकीय त्यांनी भाग पाडलेला आहे. आम्ही आंदोलन करण्याची कोणती इच्छा नव्हती आणि यांनी त्वरित भिकमाग आंदोलनामध्ये आमच्या तिघावर सोसवाल वाटाणे आणि गंगे यांच्यावर तिघावर निलंबनाची कारवाई केली. निलंबनाची कारवाई येत्या येणाऱ्या मागच्या 24 तासात एकदम केलेली आहे. याप्रमाणे जेवढी निलंबनाची कारवाई तात्काळ करता येते कर्मचाऱ्याच्या मागण्याबद्दल एवढी तात्काळ यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. आज जे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे या आंदोलनामध्ये कर्मचारी पदाधिकारी अधिकारी आणि सफाई कामगार श्री गणेश तंबोले यांच्या मार्गदर्शनानुसार हे सर्व आमच्या इथे सहभागी झालेले आहे आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही निलंबन मागे घेतल्या जाणार नाही तोपर्यंत हे आजपासून सुरू झालेले आंदोलन सुरूच राहणार आहे. शहर के जवाहर गेट इलाके से मनपा द्वारा लगाया गया हैंडपंप चोरी होने की घटना के बाद इस वार्ड के पार्षद एवं युवा सेना जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर के पहल पर खोलापुरी गेट पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अब ये कार्रवाई क्या मोड़ लेती है ये देखना बाकी है. राष्ट्रीय धम्म क्रांति महासंघ के प्रथम वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में आगामी 16 अक्टूबर को भव्य बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन किया गया है. संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस भव्य बौद्ध धम्म परिषद में देश के विभिन्न इलाकों से बौद्ध भिक्खु संघ तथा बौद्ध उपासक उपासिका शामिल होंगे. ऐसी जानकारी आयोजक भदत सत्यानंद महाथेरो तथा डॉक्टर मिलिंद नाकले ने हाल ही में सम्पन्न हुए एक पत्रकार परिषद में दी. संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे भव्य धम्म परिषद आयोजित केलेली आहे. त्या धम्म परिषदेला दरच्या संख्येने इथे उपस्थित राहून बौद्ध व भीमभूतांच्या कार्यक्रमाचा सुद्धा लाभ घ्यावा. देश विदेशाचे जे धर्मगुरू भंतीजी येणार आहेत त्यांच्या प्रवचनाचा सुद्धा सगळ्या जनतेने लाभ घ्यावा. 55व्या धम्म चक्र प्रवर्तन व राष्ट्रीय धम्म क्रांती महासंघाच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही ही भव्य बौद्ध धम्म परिषद आयोजित केली. या परिषदेमध्ये धम्म अंतर्गत येणारे जे गंभीर सिद्धांत आहेत प्रतिज्ञ समुत्पाद चार आर्य सत्य अष्टांग मार्ग या विषयावर परिसंवाद होती. परिषदेमध्ये लोकांपर्यंत अजूनही लहान आणि गंभीर गोष्टी पोहोचलेल्या नाही प्रश्नात्मक गतीने त्या पोहोचाव्या. शिवाय बौद्धांचे आजच्या काळात काही समस्या आहेत ज्या प्रशासनामध्ये जसं बौद्धांना अल्पसंख्याक समुदायामध्ये घेतलेलं आहे परंतु शासन प्रशासनात त्यांचा वाटा नाही या विषयावर सुद्धा विचारविमर्श होऊन बौद्धांना तो कसा मिळवता येईल यावर विचारविमर्श होईल. समाज मन खिन्न करणाऱ्या अशा घटना घडतात त्यामुळे सामाजिक कलह आणि कौटुंबिक कलह यातून महिला बाहेर कशा निघतील त्यासाठी एकच मार्ग आहे तो म्हणजे धम्माचे आचरण. विपश्यना ज्याला ज्यामुळे एक मनोधैर्य महिलांचं वाढू शकते आणि एक चेतना त्यांच्यामध्ये जागृत होऊन ते परत आपल्या नवीन जीवनाला सुरुवात करू शकतात. आणि म्हणूनच या जगाला जर सारायचं असेल तर बौद्ध धर्माशिवाय पर्याय नाही. इस भव्य बौद्ध धम्म परिषद के दौरान धम्म क्रांति के ध्येय धोरणों पर तथा बौद्ध धम्म के सर्वांगीण विकास पर भिक्खु संघ द्वारा उपदेश भी किया जाएगा. ऐसी जानकारी राष्ट्रीय धम्म क्रांति महासंघ के आयोजकों द्वारा दी गई. इस अवसर पर धम्म क्रांति महासंघ के पार्षद मंगेश मनोहरे विजयताई नाकले तथा सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. गुरुवार को कैसा रहा आसमान का हाल क्या था मौसम और कैसा था तापमान आइए डालते हैं एक नजर सबसे पहले मौसम के इस रिपोर्ट पर. गुरुवार को शहर का आसमान साफ रहा और धूप काफी चमकी जिसके कारण तापमान अधिक बढ़ गया. शहर का अधिकतम तापमान गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आंका गया. शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज गुरुवार को 38% रहा जबकि ड्यू पॉइंट रहा 17. शुक्रवार को शहर का आसमान साफ रहेगा जबकि कुछ तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. यानी शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है.
कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन कैसा रहा शेयर मार्केट का काम और कैसा था यहाँ का कारोबार, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 74 अंक यानी 0.44% की कमजोरी के साथ 16,884 पर रहा, जबकि निफ्टी 21 अंक यानी 0.42% की गिरावट के साथ 5,078 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिडकैप में 0.07% की मामूली कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.03% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.06% की हल्की बढ़त रही। आज के कारोबार में ऑटो और कैपिटल गुड्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और ये हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर मुर्गे के निवास पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई, बड़े सुराग हाथ लगने का दावा, दो मोबाइल चोर धर दबोचे गए। मनपा कर्मचारियों के हड़ताल से मनपा पर भड़के भाजपाई, कहा मनपा का रवैया ठीक नहीं, और एसआरपीएफ क्रीड़ा स्पर्धा का औपचारिक उद्घाटन संपन्न। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें, तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार प्रोग्राम्स और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स